हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फैट्स एंड ऑयल्स और उनके रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फैट्स और ऑयल्स बिलोंग करते हैं नेचुरली ऑकरिंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, जिन्हें हम लिपिड्स कहते हैं। जो नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो ट्राई एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल के, विद लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें 12 to 20 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। जब OH ग्रुप ग्लिसरॉल का एस्टरीफाइड करते हैं हम सेम एसिड के साथ, तब हम उसे सिंपल ग्लिसराइड कहते हैं। लेकिन अगर 2 or 3 डिफरेंट एसिड्स होते हैं तब हम उसे मिक्स्ड ग्लिसराइड कहते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो एस्टर फॉर्म करता है एस्टर चेन, नेचुरल ट्राइग्लिसराइड में वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है। तो जो डिफरेंस है फैट और ऑयल के बीच में वो मेनली बेस्ड है उनके डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट्स। जो फैट्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं सॉलिड ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल से, और ऑयल्स होते हैं लिक्विड ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल पे एट रूम टेम्परेचर। दोनों को हम सिपोनिफाई कर सकते हैं। और जो लॉन्ग स्ट्रेट चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, उसे हम फैटी एसिड्स कहते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्लिसरॉल है उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डाला तो क्या फॉर्म हुआ, ट्राइग्लिसराइड। सिंपल ग्लिसराइड का एग्जांपल है, इसमें सारे सेम हैं, और ये मिक्स ग्लिसराइड है जिसमें डिफरेंट चेन प्रेजेंट है। वो फैट्स एंड ऑयल्स है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल। 3 मोल्स होते हैं फैटी एसिड के और 1 मोल होता है अल्कोहल। हम कह सकते हैं कि 1:3 के रेशियो में होते हैं। देन जो टाइप्स होते हैं इनके बेस्ड ऑन सोर्स पे ही डिवाइड होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल के बेसिस पे होते हैं सिंपल, जिसमें 3 सेम फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और कंपाउंड जिसमें 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। देन नेक्स्ट आता है बिटवीन फैट एंड ऑयल। तो जो फैट होता है वो सेमी सॉलिड होता है नेचर में, ऑयल लिक्विड। फैट सैचुरेटेड होता है, ऑयल अनसैचुरेटेड। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फैट का वो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऑयल का 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर पे। देन जो फैट होता है वो मैक्सिमम एनिमल सोर्स में मिलता है, और ऑयल प्लांट सोर्स से। एग्जांपल है फैट का स्टीरिक और पाल्मिटिक एसिड, ऑयल का ओलिक एसिड। कॉमन फैट्स एंड ऑयल्स है माइरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। देन टॉपिक आता है रिएक्शंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस, जिसको सिपोनिफिकेशन भी कहते हैं। जब फैट्स एंड ऑयल हाइड्रोलाइज करते हैं हम हीट करके एसिड के साथ, या एल्कलाइंस के साथ, या फिर सुपर हीटेड स्टीम के साथ, जब हम उनको बॉईल करते हैं सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होता है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, जिसको हम सोप कहते हैं। और जब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तब सिपोनिफिकेशन कहते हैं, और जब वाटर के साथ करते हैं तो हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ, और एल्कलाइन जब करते हैं तो सिपोनिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस में हम, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, तो हम वाटर के साथ भी कर सकते हैं, इसमें एंजाइम लिपेस के साथ, या फिर एसिड H2SO4 के साथ करते हैं। सिपोनिफिकेशन मतलब कि सोप बना रहे हैं तो हम NaOH बेस का यूज़ करते हैं। रिएक्शन है कि हम ट्राइग्लिसराइड ले रहे हैं, उसको रिएक्ट करा रहे हैं 3 NaOH के साथ, तो हमारे पास आ रहे ग्लिसरॉल और सोप। इसमें क्या हुआ, जो ये Na है वो इसके साथ जाके अटैच हो गया, CH2 है वो OH के साथ जाके अटैच हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन, जिसमें ऑयल से फैट में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में।
हाइड्रोजनेशन होता है, उसे हम हार्डनिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, जैसे कि ओलिक एसिड और इनोलिक एसिड। तो जब उनकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं हम लो प्रेशर पे, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है क्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स एसिड कंपोनेंट के ट्राइग्लिसराइड में। इसकी वजह से क्या होता है कि सैचुरेटेड ग्लिसराइड बनता है जो सॉलिड फैट होता है रूम टेम्परेचर पे। अगर पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल की तो हम उससे मैन्युफैक्चर करते हैं वेजिटेबल घी, जैसे कि एग्जांपल डालडा। और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन अगर हम कर दें तो एक हार्ड ब्रिटल फैट बन जाएगा। एग्जाम्पल है, हमने लिया ग्लिसराइल शायोलिएट जो कि लिक्विड वेजिटेबल ऑयल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 17 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन और निकल्स के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हीट की प्रेजेंस में, तो वो ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट बना रहे हैं जो कि सॉलिड फैट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन है हाइड्रोजिनोलिसिस, इसमें क्या होता है हाइड्रोजनेशन भी होती है और फिर क्लीवेज भी होती है। तो जैसे कि सिंपल एस्टर्स होते हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। देन इसमें क्या होता है लॉन्ग चेन अल्कोहल जो ऑब्टेन होता है वो यूज़ करते हैं हम मैन्युफैक्चर करने के लिए डिटर्जेंट्स। इसका रिएक्शन है, हमने ग्लिसराइल ट्राइलोरेट को 6 हाइड्रोजन CuCr2O4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्लोराइल अल्कोहल और ग्लिसरॉल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स या रैंसिडिफिकेशन भी कहते हैं। तो जो फैट्स और ऑयल्स को जब हम छोड़ देते हैं बाहर और वो एक्सपोज होते हैं मॉइस्ट एयर से, तो उनमें फुल स्मेल आ जाती है और सॉर्ट टेस्ट आ जाता है। कह सकते हैं कि वो रैंसिड यानी कि ख़राब हो गए हैं। और ये मेनली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन से होती है, ऑक्सीडेशन रैंसिडिफिकेशन, हाइड्रोलिटिक रैंसिडिफिकेशन। तो जो ऑक्सीडेशन वाली में होती है इसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स का ताकि वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। और हाइड्रोलिटिक में हाइड्रोलिसिस होती है एक या ज़्यादा एस्टर लिंकेज की फैट्स और ऑयल्स में ताकि वो प्रोड्यूस कर सके ओरिजिनल एसिड। जो बैक्टीरिया होता है एयर से वो फर्निश करता है एंजाइम्स को जो प्रमोट करता है इन रिएक्शंस को। इस वजह से हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं एडिबल फैट्स और ऑयल प्रोडक्ट्स में ताकि हम रिटार्ट कर सके रैंसिडिफिकेशन को। और एक थर्ड टाइप और भी एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, तो इसमें क्या होता है एंजाइम की वजह से हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एग्जांपल जो बटर है वो ब्यूटायरिक एसिड की वजह से ख़राब होता है। रिएक्शन है ड्राइंग ऑयल्स, तो जब हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स को हम एक्सपोज करते हैं एयर से तो उनमें ऑक्सीडेशन हो जाती है और पॉलीमराइजेशन होती है जिससे वो एक थिन वाटर प्रूफ फिल्म बना लेते हैं अपने ऊपर। इनको हम ड्राइंग ऑयल्स कहते हैं और जो रिएक्शन होता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि लिनसीड ऑयल जो कि लिनोलेनिक एसिड में रिच होता है वो एक कॉमन ड्राइंग ऑयल है जिसको हम ऑयल बेस्ड पेंट्स में यूज़ करते हैं। जो टंग ऑयल है और पेरेला ऑयल है ये 4 to 5 आवर्स में ही ड्राई हो जाता है। और जो नॉन ड्राइंग ऑयल्स होते हैं ये या तो सैचुरेटेड होते हैं या मॉडरेटली अनसैचुरेटेड होते हैं। जब ये लाइट या एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं ये रैंसिड हो जाते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल। ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।